खबर मध्य प्रदेश की सीधी से है, जहां उल्टे दस्त से लोगन के मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की अमला ग्राम हररई पहुंचा है। डॉक्टर और अधिकारी के द्वारा जांच की गई है। बता दें कि यहां कुसमीमा उल्टी और दस्त हुए की वजह से मौत के सिलसिला जारी है, जिसके बाद प्रशासन हरकत मावा। वन क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल माउंट पूजा अपना पंचे सर्वजनिन का प्रणाम कही थे। शुरू कही थे बड़ी खबर से। सीधी जिला के कुसमी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हररई में उल्टी दस्त हुए की वजह से 3 लोगों की मौत पे रही, जिसके बाद प्रशासन हरकत मावा और गंभीर बीमार लोगों का जिला अस्पताल में भर्ती कर दिन का है। रविवार सवेरे एक बार फिर से डॉक्टर के जांच दल और एसडीएम के मौजूदगी में लोगों के जांच करे के खातिर जांच दल गाँव पहुँचा। सवेरे लोगों की जांच सवेरे से जारी है और इस व्यक्ति का चिन्हित करे के काम की जाला है, जिनका उल्टे और दस्त से संबंधित बीमारी है। इनका अलग से आइसोलेट की जाला है। जिला कलेक्टर सीधी सरोची सोमवंशी के द्वारा जानकारी मिलते है। शनिवार के दिन जांच टीम भेजी गई, जहां रविवार के दिन जांच टीम गए और तत्परता से अपने काम में जुटी है। यहां करीब 135 लोगों के जांच के सैंपल लेंगे। अब तक 24 लोगों का जिला अस्पताल सीधी में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उपचार जारी है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सीधी डॉक्टर सुनीता तिवारी के मुताबिक खंड चिकित्सा अधिकारी कुसमी के नेतृत्व में शिक्षक के दल ग्राम हररई पहुंच चुके हैं। ग्रामवासी के स्वास्थ्य परीक्षण की जाला है। जिला चिकित्सालय में जो दो व्यक्ति इनके उपचार की जाला है, उनके स्वास्थ्य में सुधार है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा